नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दिवाली बहुत अच्छे से जाए और हर तरफ आपको खुशियां और रोशनी दिखे। तो इसी रोशनी के साथ रोशनी डालते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 पे, यानी वीक 3 के टॉप 10। जो वीक गया है उसमें किसने अपने झंडे किस नंबर पे गाड़े हैं उसके ऊपर बात करते हैं। शुरू करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों नंबर 10 से शुरू करते हैं क्योंकि 10 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अभी 15 कंटेस्टेंट हैं, तो वो 5 जो शामिल ही नहीं हो पाए टॉप 10 में उनकी तो क्या ही बात करें, मगर जो हो पाए शामिल उसमें 10 नंबर बहुत जरूरी है। तो 10 नंबर है शुरुआत टॉप 10 में एंटर करने की, और ये शुरुआत मान्या ने कर ली है। मान्या जिसको बोलते तो है लोग की दिखाई नहीं देती हैं, मान्या जिनको मास्क मिला था सुम्बुल के साथ साथ कि ये मास्क पहन लो आप तो दिखाई ही नहीं दे रही हैं, वो मान्या जब उठती हैं, जब मुद्दा लेके आती हैं, तो वो मुद्दा वो एंड तक लेके भी जाती हैं। तो इसलिए मान्या इस हफ्ते हैं नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे है गौरी नगौरी। गौरी नगौरी तो बाप रे बाप बहुत छाई हुई है, कुछ भी हो लोग पसंद कर रहे हैं। एमसी स्टैन के जो फॉलोअर्स हैं वो तो गौरी को बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत अच्छे से दोस्ती निभाना जानती हैं गौरी। नाराज भी होती हैं, जैसे शिव से नाराज हुई थी, मगर फिर भी दोस्तों की दोस्त है गौरी, इसलिए गौरी को लेके आते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गए हैं शालिन भनोट। शालिन भनोट की गेम बहुत ही फेक लग रही है, मगर लोग उनको पसंद कर रहे हैं। जिस तरह वो रिएक्ट करते हैं, जिस तरह वो अपना पासा पलटते हैं, वो भी दर्शकों को पसंद आ रहा है, मगर बहुत ज्यादा नहीं। शालिन भनोट का होना बिग बॉस के घर में अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि वो अभी तक ये सेट नहीं कर पाए हैं कि कहाँ पे टहलें, किससे दोस्ती करें, इसलिए कभी इधर कभी उधर भटकते ही रहते हैं। हाँ, अब थोड़ा जैसे करण जौहर ने एक रंग दिखाया है उनको कि आप राहुल हो, उसके नशे में जरूर वो घूमते नजर आ रहे हैं। तो शालिन आते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गए हैं दोस्तों गौतम। जी हाँ, गौतम जो अभी सेटिंग ही कर रहे हैं, कुछ हद तक कर भी चुके हैं सौंदर्य के साथ सेटिंग, मगर वो सेटिंग रास नहीं आ रही है निमृत को। तो निमृत अपनी जगह पे गौतम को डांट रही हैं, दोस्ती के हवाले दे रही हैं, मगर गौतम अर्चना के साथ भी हैं। तो ये गौतम का जो चेंज ओवर हो रहा है, ये गौतम को नंबर 7 तक ही लेके आया है। दर्शक गौतम को बहुत पसंद कर रहे हैं, पहले से ही टीवी स्टार हैं तो फैन फॉलोइंग है, इसलिए गौतम की फैन फॉलोइंग के साथ ही उनको हम रखते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई है नेताजी। जी हाँ, अर्चना नंबर 6 पे है। अर्चना को जिस तरह कप्तानी मिली इस हफ्ते, जिस तरह अर्चना ने चीजें की हैं, उसकी वजह से ये तो पक्का हो गया है कि अर्चना एक पॉपुलर फिगर बन चुकी हैं, पसंद आ रही हैं और बिग बॉस को भी पसंद आ रही हैं। तो अर्चना को अभी हम रखते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गई है निमृत। निमृत के हाथ में पावर हो तो छा जाती हैं, पावर ना हो तो ढेर हो जाती हैं, और ये पावर ना होने तक जो सफर उनका गया है, उस सफर को देखते हुए सब लोग जोर लगा रहे हैं कि निमृत पावर में आए, बिना पावर के पावर में आए, अपना वो रूप दिखाए जो कप्तान का रूप था, यानी कि निमृत में बहुत पोटेंशियल है और वो बहुत कुछ कर सकती हैं, और अब वो करेंगी भी, और उनके जो फैंस हैं उनके लिए भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं। तो निमृत आती है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गए हैं अब्दू। अब्दू वही कर रहे हैं जो शुरू से कर रहे थे, पॉजिटिविटी फैलाने का काम, सबके साथ गले मिलने का काम, सबको दिल भेजने का काम, तो एक बंदा तो ऐसा चाहिए, और सबको प्यार करते हैं अब्दू।
मगर अपनी गेम पे कंसंट्रेशन भी है उनका, जितना समझ पा रहे हैं उसके हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं और इसमें उनकी मदद साजिद भी कर रहे हैं, मगर साजिद उतने नहीं छा रहे हैं जितने अब्दू। तो अब्दू आगे है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे है प्रियंका। जी हाँ, प्रियंका को क्या कहें, बहुत लोग प्रियंका को पसंद कर रहे हैं, प्रियंका फायर है, ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, प्रियंका ये कर देगी, प्रियंका वो कर देगी, मगर प्रियंका की नेगेटिव भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। लोगों का कहना ये भी है कि प्रियंका फेक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इन शॉर्ट, कि जिसकी दोनों तरफ से भर भर के रिपोर्ट्स आए वो बंदा तो टॉप 3 की कैटेगरी में आता ही आता है, और उनको लोग देखते ही देखते हैं कि इसका एक्शन क्या होगा, क्या करेगी ये। अगर वो किसी का खून जला रही है तो भी, अगर किसी का खून बढ़ा रही है तो भी। तो प्रियंका आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गए हैं एमसी स्टैन, जो बहुत यूथ को पसंद आ रहे हैं। यूथ बहुत ज्यादा एनकरेज फील कर रहा है एमसी स्टैन का बिग बॉस में होने पे। तो जो भी एमसी स्टैन कहते हैं बहुत क्लियर कहते हैं। हाँ, भाषा कभी कभी इन लोगों को लगता है कि बहुत टपोरी भाषा है, ऐसा रिएक्ट भी करते हैं, मगर वो अपनी बात को कहते हैं, चाहे दोस्त शिव को कहें, चाहे गौरी को कहें, चाहे वो प्रियंका को कहें, बात उनकी जरूर वजनदार होती है और लोग बहुत 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 पसंद कर रहे हैं एमसी स्टैन को, इसलिए ये आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 1 पे आते हैं शिव ठाकरे। जी हाँ, शिव ठाकरे दरअसल बहुत ही तरीके से चीजों को देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लोगों की परख भी रखते हैं। प्रियंका को सबसे ज्यादा समस्या है तो शिव ठाकरे से, क्योंकि वो उसको ही अपना कंपटीशन मान के चल रही है। शिव ठाकरे जिन्होंने पहले आते ही कहा था कि मैं बिग बॉस का विनर जरूर हूं मराठी का, मगर तब मेरी जो रेंज है वो सिर्फ कुछ लोगों तक है, मगर अब मैं दुनिया में पॉपुलर होना चाहता हूं, यानी कि पोटेंशियल बहुत है और उस पोटेंशियल को पूरी तरह से वो यहाँ पे यूज भी करने वाले हैं। और शिव ठाकरे की गेम लोगों को बहुत पसंद आ रही है, उनके लिए नेगेटिव कमेंट नाम मात्र ही आते हैं, लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। अब वो वाकई में ना सिर्फ मराठी बिग बॉस के हीरो थे जो थे, अब वो हिंदी के भी हीरो बनते जा रहे हैं, और ना सिर्फ घर के अंदर बल्कि बाहर भी लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो शिव ठाकरे को तो नंबर 1 देना बनता ही है इस हफ्ते। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 10। आपको कैसे लगे, आप भी अपने हिसाब से अपनी 1, 2, 3 की रैंकिंग करके जरूर भेजिएगा, तो पता चलेगा कि आप भी किसको चाहते हैं टॉप 3 में। जरूर कीजिएगा कमेंट और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.